90% लोग नहीं जानते हैं बालों को लंबा करने का ये तरीका। जी हाँ फ्रेंड, आज जो मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ, अगर आप इसे करते हैं तो आपके बाल जड़ से मजबूत होंगे, सफ़ेद बाल काले होंगे, छोटे बाल लंबे होने स्टार्ट हो जाएंगे और जो भी आपके बालों से जुड़ी हर समस्या है वो हमेशा के लिए दूर होंगी और आपके बाल इतने ही लंबे मोटे घने हो जाएंगे और आपकी हेयर फॉल गारंटी के साथ हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। नए बाल उगेंगे और आपके बाल जो पतले हो गए हैं घने होने स्टार्ट हो जाएंगे। हम क्या करते हैं अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, अपने बालों को लंबा काला मजबूत करने के लिए केमिकल वाले चीज़ों को अपने बालों में यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, जिससे कि उस टाइम के लिए हमारे बालों में फ़र्क दिखता है, हमें फ़ायदे मिलते हैं, पर बाद में चल के ये हमारे बालों को कमज़ोर कर देती है, इतना आपके हेयर रूट को वीक कर देती है कि आपको एक्सट्रीम हेयर फॉल स्टार्ट हो जाती है और बाद में चल के आपको गंजेपन की समस्या हो जाती है। इसलिए आप अपने बालों के लिए केमिकल वाले चीज़ों का यूज ना करें। आज जो मैं आपको नुस्खा बताने वाली हूँ ये आपके हेयर रूट को स्ट्रॉन्ग करती है, जिससे कि आपके जहाँ पे नए बाल नहीं उग रहे हैं धीरे धीरे वहाँ पे नए बालों की ग्रोथ होंगी और आपके जो बाल झड़ गए हैं वहाँ पे नए बाल उगने स्टार्ट हो जाएंगे। केमिकल वाले चीज़ें हमारे बालों पे कुछ टाइम के लिए असर करती है और ये हमारे हेयर रूट को इतना वीक कर देती है कि पूरे बाल हमारे जड़ से नए बाल स्टार्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे वहाँ पे नए बाल की ग्रोथ होगी, ये ब्लॉक कर देती है, झड़ गए हैं वहाँ पे नए बाल पाते स्टार्ट हो जाएंगे। आज जो मैं आपको केमिकल वाली चीजें हमारे बालों पे कुछ टाइम के लिए असर करती है और ये हमारे बाल को इतना वीक कर देती है कि पूरे बाल जो हेयर फॉलिकल है डैमेज हो गए हैं, एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, यानी आपके हेयर को आज जो मैं आपको नुस्खा बताने वाली हूं, अगर इसे वहां पे नए बाल नहीं उग पाते हैं लेकिन आज जो मैं करेंगे तो बताने वाली हूं, अगर आप गए हैं ओपन हो जाएंगे कि वहां पे नए बाल उगने स्टार्ट हो पा रहे हैं और आपके बाल या आपके जो हेयर फॉलिकल है डैमेज हो गए हैं, घने लंबे हो पा रहे हैं, इस रेमेडी में आपको नुस्खा बताने वाली हूं, अगर पे लगानी है फिर आप जैसे मैं आपको बताऊंगी वैसे यूज करेंगे तो आपके पोर्स ब्लॉक हो गए हैं, ओपन हो जाएंगे तो वहां पे नए बाल उगने स्टार्ट लेना है और ये रेमेडी बहुत ही पावरफुल है आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, जिससे कि आपके मन में कोई भी डाउट ना हो इस रेमेडी को लेकर आप अच्छे से अपने बालों पे इसे यूज करके अपने बालों को मजबूत काला घना बना पाए। और अपने बालों को लंबा मोटा घना करना है तो थोड़ी सी आपको टाइम देना होगा अपने बालों के लिए, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखें जिससे कि आपको कंप्लीट जानकारी मिले। और रेमेडी बताने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और जो भी फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरीके के हेल्पफुल वीडियो के लिए। आपने अक्सर देखा होगा हमारी चोटी जो है ऊपर से मोटी होती है और नीचे की जो हमारी चोटी होती है यानी हमारी हेयर लेंथ होती है बहुत ही पतली होती है, हमारे बाल बहुत ही ड्राई रूखे सूखे हो जाते हैं, दो मुहे बालों की समस्या हो जाती है, हमारे बालों की ग्रोथ रुक जाती है। ये सारी समस्या आपके हेयर रूट का वीक होना है, आपके बालों में प्रोटीन की कमी होना है, आपके स्कैल्प में किसी भी प्रकार की समस्या का होना है। इसलिए आज जो मैं आपको रेमेडी बताने वाली हूँ ये आपके स्कैल्प पे अच्छे से काम करेगी, आपके स्कैल्प को क्लीन करने का काम करेगी, जिससे कि आपकी पतली चोटी मोटी होगी। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लेना है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, जो कि आपको अपनी किचन में आसानी से ये चीज़ मिल जाएंगी। ये हम डेली अपने खाने में अपने खाने के टेस्ट को यानी स्वाद को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, लेकिन उतना ही हमारे बालों के लिए फ़ायदेमंद है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी ए फोलिक एसिड होती है, पोटेशियम होती है, ये सारे विटामिन जो होती हैं हमारे बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, आपके बालों को रिपेयर करने का काम करती है, आपकी स्कैल्प को क्लीन करती है, हमारे हेयर फॉलिकल जो डैमेज हो गए हैं रिएक्टिव हो गए हैं उसे ही एक्टिव करने का काम करती है। तो इसलिए हम यहाँ पर ले रहे हैं इस रेमेडी के लिए काली मिर्च और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बालों की ग्रोथ के लिए। चाहे आपके बालों का लंबा ना होना हो, चाहे आपके बालों का सफ़ेद होना हो, चाहे जो भी समस्या हो आपके बालों से जुड़ी, ये समस्या हमेशा के लिए दूर होने वाली है। और स्पेशली जिनके बाल वाइट हो रहे हैं वो अपने बालों को नेचुरली ब्लैक करना चाहते हैं बिना किसी डाई के बिना किसी मेहंदी के लगाए, तो आप इस ऑयल को लगा के देखें, हमेशा के लिए आपके बाल जड़ से काले होंगे और जो भी बाल सफ़ेद हो रहे हैं वो ब्लैक होने स्टार्ट हो जाएंगे।
फिर दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर लेनी है कड़ी पत्ता, जिसे हम मीठी नीम बोलते हैं। साउथ इंडियन की जो लड़कियाँ होती हैं उनके बाल बेहद ही काले घने मुलायम होते हैं, क्योंकि वो अपने बालों में इसी चीज़ का यूज करती हैं जिनसे कि उनके बाल नहीं टूटते हैं और बेहद ही काले घने मुलायम होते हैं। इसलिए हम इस रेमेडी में यूज करने वाले हैं कड़ी पत्ता, जिससे कि आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो, बाल ना टूटे और सफ़ेद बाल ब्लैक होने स्टार्ट हो जाएँ। फिर आपको यहाँ पर लेनी है मेथी दाने, ये भी हमारे बालों के लिए बेहद ही फ़ायदेमंद है। इससे आपके बालों के टूटने की समस्या बंद होगी, नए बाल होंगे, आपके बालों में एक मजबूती आएंगी जिससे कि आपके बाल नहीं टूटेंगे और जो भी आपकी स्कैल्फ सो रही है वहाँ पर नए बाल उगने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर लेना है मेथी दाने, काली मिर्च, और आपको यहाँ पर लेना है कड़ी पत्ता। लास्ट में आपको यहाँ पर लेना है एलोवेरा जेल। आपको यहाँ पर हाफ लीफ का यूज करना है, फ्रेश आपको यहाँ पर लेना है। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप इसे स्किप कर दें, नहीं तो आपके पास है तो आप यहाँ पर फ्रेश ही लीफ का यूज करें और इसका आपको गुद्दा निकाल लेना है, यानी आपको लीफ का जेल निकाल लेना है। अब इसे हम बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको हल्का सा इसे रोस्ट करना है जिससे कि इसके पाउडर हमको बनाने में आसानी हो। तो पहले आपको एक पैन लेना है, इसे गर्म कर लेना है। इसमें डालना है आपको मेथी दाने, काली मिर्च और आपको यहाँ डालना है कड़ी पत्ती। इन्हीं तीनों चीज़ों को आपको हल्का रोस्ट करना है। आपको याद रखना है यहाँ पर मीडियम को बिल्कुल लो करना है, आपको यहाँ पर हाई फ्लेम नहीं करनी है, नहीं तो ये जल जाएंगी, इसकी गुडनेस ख़राब हो जाएंगी और इससे आपके बालों को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेंगी। तो बस आपको इस तरीके से इसे भून लेना है जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए। फिर यहाँ पे हमने एलोवेरा की गुद्दा निकाल के रख लिया है जिससे कि इस ऑयल को बनाने के टाइम पे हमें आसानी हो। फिर आपको इस ऑयल को बनाना स्टार्ट करना है। इसके लिए आपको एक पैन लेना है, इसमें आपको डालना है कोकोनट ऑयल। आप यहाँ पे सरसों का ऑयल का भी यूज कर सकती हैं, लेकिन गर्मियों का टाइम है इसलिए कोकोनट ऑयल बेस्ट है। फिर हमने जो पाउडर बना के रखा हुआ था आपको इसमें डाल देना है। बिल्कुल आपको यहाँ फ्लेम को लो करनी है, हाई नहीं करनी है, आपको इससे आसानी तरीके से बनानी है जिससे कि ये ना जले। बहुत ही आपको टाइम लेके इसे बनाना है। फिर इसमें आपको डाल देना है जो हमने जेल निकाल के रखा था, फ्रेश जेल आपको इसमें डाल देना है और बिल्कुल आपको फ्लेम को यहाँ पे लो करनी है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, नहीं तो ये ऑयल जल जाएगी, इसकी गुडनेस ख़राब हो जाएंगी और इससे आपके बालों को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेंगी। तो बस आपको यहाँ पर 5 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर आपको इसे कुक करना है और जब इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाए तो आपको यहाँ पर गैस को ऑफ कर देनी, यानी फ्लेम को ऑफ कर देनी है और इसे आपको छान लेना है। जब ये ठंडा है तो आपको एक ग्लास के जार में इसे भर के रख लेनी है जिससे कि ख़राब नहीं हो। प्लास्टिक के जार में ये ख़राब हो जाती हैं, इसलिए अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा बन गई है तो आप इसे ग्लास के जार में रखें। फिर अपने बालों में इसी तरीके से इसे अपने बालों पे मसाज करते हुए लगाएं। आपको पूरे बालों में पार्टीशन करना है, कॉम करनी है, फिर इस ऑयल को अपने बालों पे अप्लाई करना है जिससे कि इसके बेनिफिट अच्छे से आपके बालों को मिल पाए। 1 वीक में आपको 2 टाइम लगाना है बालों को लंबा करने के लिए, हेयरफॉल को रोकने के लिए। इस मैजिकल ऑयल को यूज करना है बालों की ग्रोथ के लिए, हेयरफॉल को रोकने के लिए, बालों को लंबा करने के लिए। फिर देखिए आपके बाल कितने फास्ट लंबे होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।